आम आदमी पार्टी वालों विधानसभा चोणां लई उम्मीदवार बनाए जाण ते असीं तुहानूं शुभकामनां दिंदे हां। धन्नवाद। अपने पिछोकर अते सियासी जीवन बारे साडे पाठकां नूं कुझ जानकारी दिओ। देखो जी, मेरा जिहड़ा सियासी पिछोकर है एक आजादी घराटिए परिवार नाल संबंधित है। मेरे दादा जी सरदार अतर सिंह जी, जिन्हां ने 1919 च जलियांवाले बाग दे विच साके दे विच उन्हें अपने अखी वेख्या और उदों तों उन्होंने देश की आजादी वास्ते एक मन बनाया और उन्होंने अपना जीवन 26 साल अपने जीवन के देश की आजादी की जी जेल कटी। 1934 च पहली पोलीटिकल कॉन्फ्रेंस साढ़े पिंड कछालपुर च हुई, जिस पंडित जवाहर लाल नहरू, गोसले, किचलू, ये सारे उत्थे पहुँचे सन और उन्होंने कॉन्फ्रेंस करवा करके 7 साल की जी मुल्तान च कैद हुई और 2 वारी साढ़े परिवार की अंग्रेज सरकार वालों कुरकी की गई और इसे इतें बस नहीं जिथे साढ़े परिवार ने आजादी वास्ते बहुत बड़ा योगदान पाया। मेरे ताया जी ने जेलां कटियां, मेरे पिता जी ने कटियां, मेरी दादी जी भी जेल उदों गए और उत्थे धार्मिक तौर पर भी साडा परिवार जिहड़ा वा इहने कोई पिछे नहीं रहा, क्योंकि 1925 च डेरा बाबा नानक दरबार साहब च पहला श्री गुरु ग्रंथ साहब मेरे दादा जी ने नाल आप अमृत छक के 4 सिंह नाल लए उत्थे लिआंदा। आ सारा जिला गुरदासपुर साढ़े जिले च बेदी नाल लोग लावां करदे हुंदे सी और उन्होंने 1925 लिया के पहलियां लावां जिहड़ियां ने उत्थे ताबिआं दे महाराज दे थले चरणां च बैठ के पहलियां लावां उन्होंने उत्थे पढ़ियां। इस करके धार्मिक तौर पर भी साडे परिवार ने बहुत सेवा की और पोलीटिकल तौर पर भी इस इलाके की बहुत वड्डी सेवा अज तक की और मैं भी पंजाब दा जदों दा चेयरमैन रहा 14-15 साल तो वध समा और मैं लोगों की बहुत जी जान नाल जिहड़ी आ सेवा की। जो भी मेरे को आया मैं उन्हूं मतलब कभी नहीं मोड़िया, वह उस वे काम किया, टैलीफोन किया, सत्कार मान किया। हुण तक समाज सेवा च तुहाडा की योगदान है? समाज सेवा मैं दस दिया जी, मैं तो लोगों की बहुत वड्डी सेवा की है, क्योंकि मेरे कोई एड्डी वड्डी पावर नहीं पर मैं लोगों के इन्ने काम कराए, अच्छ सारा हलका इस गल बोलता वह सबूत है। बाकी इतने पिछले लंबे समय तो मैं तकरीबन 3500 लोगों की अखा के चैकअप करवाए हैं और जिद कोई 3700-3800 लोगों की अखा के लेंज पवाए आ फ्री जी सेवा की और लड़कियों के विवाहों के साडा बड़ा योगदान असी उन्होंने आप विह करवाते रहे बच्चियों के और होर भी जो भी कह दिया मगर वह कहते दूजा सब तो वड्डी जी अज साडे पंजाब नूं नशा जिहड़ा वा वह नशे ने बर्बाद करता, नौजवान नशियां दे विच गलतान सन और मैं नशे के विरुद्ध आवाज़ उठाई है। सब तो मतलब जी उच्ची जिन्हों कह लिए आवाज़ मैं डेरा बाबा नानक करके गुरु नानक पातशाह का चरण छू प्राप्त धरती से इतों आवाज़ उठाई है और वह आवाज़ जी कारण इतों के नौजवान वड्डी गिनती पिंड पिंड मेरे नाम मोटरसाइकलों की रैलियां करके जाके उन्होंने जिहड़ा वा नशे के विरुद्ध लोगों को लामबद्ध किया कि जिहड़े नशे के सौदागर ने उन्होंने काबू करो, बच्चों को बचाओ और नशे के काफ़ी ज़्यादा यदा मतलब रिजल्ट निकलिया वा। देखो जी, मैं तो दसा मैं लोगों की सेवा भावना करने वास्ते अगे भी तत्पर रहा, हूँ भी उस देश ने आया। मेरा मुख मकसद इस इलाका, क्योंकि साडा जिहड़ा हलका वा ये बार्डर के बिल्कुल उत्ते है और इत्थे दूजा बार्डर ते होण करके जे हड़ आउंदा तां इह हड़ां दी मारे नूं पैंदी है और इस तरीके नाल जंगां लगदियां, ये लोग उजड़ जांदे ने और इन्हां लोकां दे बच्चियां नूं रुजगार वास्ते कदी विच हिस्सा नहीं लिया जांदा, इस करके क्योंकि इत्थे कॉलेज कोई नहीं, इत्थे इंडस्ट्री कोई नहीं। जे कॉलेज बच्चे पढ़नगे तां ही फिर जाके कितें काम करनगे, चंगा जिहड़ा वो क्वालीफाइड टैस्ट उस जिहड़े आ उहनां विच पास होणगे, इह सारा कुछ जिहड़ा वा इत्थे लियाउण दी लोड़ आ। मैं इस देश नाल लोकां दी सेवा भावना करन वास्ते आया और मेरा एक जिहड़ा वा मुख मकसद सी इस इलाके दी चीज़ां जिहड़ियां सहूलतां उन्होंने दवाया, पर उधर मैं खुशी आई तो 2-3 दिन पहला अरविंद केजरीवाल इतने आए थे, उन्होंने ऐलान किया, ऐलान नहीं उन्होंने कहा भी जो ये 5 मंगा, एक तो धार्मिक शहर का जोड़ा वा उस सानू इतिहासक शहर के दर्जे डेरा बाबा नानक करा नहीं दिता वह भी कहा देंगे, शुगर मिल भी उन्होंने कहा लावे और कॉलेज भी वधिया देंगे, हॉस्पिटल भी बहुत वधिया देंगे, सारिया गल्लां उन्होंने मौके पर प्रवान कीतियां। इतने मसीह भाईचारे के लोग ने उन्हां वास्ते भी उन्होंने कहा भी जिहड़ियां मसीह भाईचारे च रह के उन्होंने सारिया जिहड़ियां बाकी दलतां वालियां सहूलतां दी सारा कुछ लम्मा किस्सा वा, यह सारा कुछ उन्होंने मंगिया और मेरी इहो मुख सेवा वा। अपने हल्के की भलाई लई कि-कि काम करवाउणे चाहोगे अते विधानसभा च तुहाडा की रोल होगा? मैं दस्सिया जी जिहड़े काम मैं पिछे बोले ने इह मैं काम जिहड़े सारे ही बाखूबी दे नाल करावांगा और विधानसभा दे विच जा के अपनी आम आदमी पार्टी की जी सरकार बन जा रही है उहदे विच मैं सारे लोगों नाल वादे कीते ने काम करावांगा, बेरोजगारी दूर करांगा
और 30 दिन के अंदर अंदर नशा मुक्त जिहड़ा वा जिथे पंजाब नूं कीता जाऊ, इस हल्के नूं कीता जाऊ, करप्शन जिहड़ी आ उहनूं रोकिया जाऊगा और बड़े बड़े पंजाब लई बहुत कुछ करन वाला। अज पंजाब दे विच जो हालात होए पए आ, मैं समझदा इह इक सिर्फ इहनूं पंजाब सिर्फ लभ ही रिहा, पंजाब विचों खोखला होया पिआ, इहनूं सारा कुछ जिहड़ा पंजाब पंजाब च इस समय 4-5 किहड़ियां वड्डियां समस्याएं दा सामना करना पै रिहा ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ? ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤਾਂ ਨਸ਼ਾ ਵਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਇਹਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦਿਵਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੂਰ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬਦੇਹ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਾਉਣਾ, ਉਹਨੂੰ 3-3 ਮਹੀਨੇ ਉੱਥੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਫਾਈਲ ਜਿਹੜੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਵਿਆਹ ਦੀ, ਉਹ ਫਾਈਲ ਦਾ 2-2 ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਮੁੜ ਕੇ ਫਾਈਲ ਜਾਏ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਵਾਬ ਦੇ ਬਣਾਉਣਾ ਪਊਗਾ। ਔਰ ਮੈਡੀਕਲ ਜੀ, ਮੈਡੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ, ਮੈਡੀਕਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਫਰੀ ਕਰਨੀ ਪਊ, ਟੈਸਟ ਫਰੀ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ, ਦਵਾਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਅੱਜ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ ਪਊ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਚੁਕਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਰਨਾ। ਰਾਜ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਇਸ ਸਮੇਂ? ਰਾਜ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਰਾਜ ਦੀ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਔਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਿਆ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਇੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਇਆ ਸੀ, ਵੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੂ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਗਏ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਸਲ ਦਾ ਭਾਅ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਨਾ ਕਹਾਂ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਇੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਉਹ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਵਾ ਸਕਦੀ ਆ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਮਨ ਬਣਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੇਖ ਲਓ, 1 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣੀ ਆ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੋਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ। ਧੰਨਵਾਦ।